गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल गेम की ज्योति। तो मैं हूँ ज्योति और आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ अमेजोन हॉल। तो इसमें मैंने लिया हुआ है कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स लिए हुए हैं, कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स लिए हुए हैं, क्योंकि अभी मतलब सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है कि हमें कुछ कोई भी काम हो तो बाहर चले जाएँ। तो आप इससे अच्छा ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं कुछ प्रोडक्ट आपके साथ में शेयर करूँगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल स्टाइल गेम भी ज्योति। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैं जितने भी प्रोडक्ट्स आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप लेना चाहें तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो वहाँ पर आपको माई हॉल स्टोर करके एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको सारे प्रोडक्ट जो है वो एक साथ दिखेंगे। एंड अगर आप अलग अलग भी देखना चाहते हैं तो वो सारे लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ पर जाकर भी इसे ले सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो मैंने लिया हुआ है वो मैंने लिया हुआ है ये मामा अर्थ का ओप्टन फेस वॉश है, आप देख सकते हो। तो इसको मैंने ना कई बार यूज़ किया था, अभी तो मैं गुड वाइब्स की यूज़ करती हूँ, बट इससे पहले मैंने मामा अर्थ का भी यूज़ किया था। तो मैं जब मुझे स्क्रब की ज़रूरत होती है तो मैं ये मामा अर्थ का ओप्टन फेस वॉश यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये स्क्रब का भी काम करता है, स्किन को ना काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देता है। तो अगर आप मतलब ऐसे कोई भी हर रोज़ स्क्रब नहीं कर सकते हैं तो फिर आप वीक में एक बार इसे ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ना थोड़ी ड्राई है तो उसके लिए आप ये वाला फेस वॉश ना बहुत सही है, बट आप हमेशा इसे यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें ना स्क्रब जैसा होता है तो फिर वो हमारे स्किन को थोड़ा सा हार्श करती है। तो आप बाकी दिनों में तो कोई भी मतलब हफ्ते में एक बार आप इसे ज़रूर यूज़ कर लें, क्योंकि एक बार स्क्रब करने से हमारे स्किन पे जो भी डस्ट वगैरह होते हैं ना वो निकल जाते हैं। सेकंड मैंने जो लिया हुआ है वो मैंने लिया हुआ है ये नेल फाइलर। तो ये है वेगा का नेल फाइलर एंड इसकी जो प्राइस थी ना वो 110 रुपये थी शायद। तो ये मुझे काफ़ी सही लगा, मतलब ऐसे तो हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं कुछ भी कराने, तो आप घर पर भी अपना थोड़ा बहुत ध्यान रख सकती हैं, तो उसके लिए मैंने ये लिया हुआ है। एंड नेक्स्ट जो मैंने लिया हुआ है वो मैंने लिया हुआ है ये गार्नियर का विटामिन सी सीरम है। तो ये ना अगर आपके एक्ने स्किन है, आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह हैं, स्कार्स हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे धब्बे वब्बे हो जाते हैं, तो उसके लिए आप इसे ले सकते हो। आप इससे क्या होता है आपका जो स्कार्स वगैरह धब्बे वगैरह होते हैं ना वो हल्के हो जाते हैं, एंड ये ना ऑयली स्किन के लिए बहुत सही है। तो मेरी स्किन तो वैसे ड्राई स्किन है, तो ये मैंने अपने सिस्टर के लिए लिया था एंड उसने यूज़ किया तो मतलब काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छी थी, मतलब स्कार्स वगैरह जो थे कम हो गए हैं। तो अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने लिया हुआ है वो मैंने लिया हुआ है ये गार्नियर का, आप देख सकते हो सीट मास्क है। तो ये ना जैसे कभी कभी होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम फेशियल कर लें, क्लीन अप कर लें, ये सारी चीज़ें करने का टाइम नहीं होता, तो उससे आप क्या होता है कि आप लास्ट टाइम जा रहे हो तो आप सिर्फ 15 मिनट निकाल के आप सीट मास्क को अप्लाई कर लो, या फिर अप्लाई करने के बाद आप थोड़े बहुत काम भी कर सकते हो। उससे क्या होता है जल्दी जल्दी आपका सारा काम भी हो जाता है और आपकी स्किन जो है वो अच्छे से ग्लो भी करने लगती है। तो इसमें मैंने ये दो लिया हुआ है, आप देख सकते हो। एंड नेक्स्ट मैंने जो लिया हुआ है वो मैंने लिया हुआ है ये हेयर स्प्रे है, आप देख सकते हो। तो ये ना मेरे बाल जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसे सिल्की हैं, तो इसमें कोई भी स्टाइल बनता ही नहीं है, मतलब कुछ भी बना लो ये सीधा सीधा खुल के सीधा ही हो जाता है। अगर मैं बालों को कर्ल करती हूँ तब भी ये सीधा ही हो जाता है। तो उसके लिए मैंने ये स्प्रे लिया हुआ है कि हाँ थोड़ी देर बाल होल्ड तो रहेगा, कि जैसे कर्ल कर लो थोड़ी देर आप स्प्रे कर सकते हो, तो ये मुझे काफ़ी सही लगा तो उसके लिए मैंने लिया हुआ है। तो अगर आप इसे लेना चाहें तो ले सकते हैं, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, ये मुझे 200 या फिर 250 के अराउंड पड़ा था। और इसकी बॉटल ना वैसे मैंने देखा था तो इसकी बॉटल मुझे छोटी लगी थी, बट ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो ये अच्छा चीज़ है। अगर आप आपके बाल थोड़ा सिल्की है, नहीं रुकते हैं, कोई भी हेयर स्टाइल नहीं बनता है, या फिर जैसे कर्ल नहीं रुकते हैं, तो आप उसके लिए इसे ज़रूर ले सकते हैं आप स्प्रे करने। इससे आपके बालों को भी कोई हार्श नहीं होता है, वैसे अभी तक मैंने यूज़ किया तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई है। तो अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट मैंने जो लिया हुआ है वो मैंने लिया हुआ है ये लैक्मे की सीसी क्रीम है। इसे ना आप किसी एकदम लाइट मेकअप के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपको ऐसे कैजुअली कहीं भी जाना हो तो आप उसके लिए इसे यूज़ कर सकते हो। फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो उसके लिए मुझे लैक्मे की जो सीसी क्रीम होती है ना वो बेस्ट होती है, कि मतलब आपको हल्का फुल्का मेकअप करना है तो आप फटाफट लगा के तैयार हो जाते हो। नेक्स्ट मैंने जो लिया हुआ है वो मैंने लिया हुआ है ये फिटमी का फाउंडेशन। तो ये ना ये मुझे बहुत सही लगता है, क्योंकि ये हमारे फेस पे अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और अच्छा सा ग्लो आ जाता है। तो मुझे ये फिटमी का जो फाउंडेशन होता है ना वो बहुत सही लगता है। एंड इसमें मैंने जो अपना शेड लिया हुआ है ना वो मैंने लिया हुआ है वार्म न्यूट। तो ये मेरे चेहरे पे जो थोड़ा सा लाइट है तो इसको मैं एक्सचेंज करके इसका एक डार्क शेड ऑर्डर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लाइट होता है ना तो फेस अजीब सा ही लगता है, मतलब वाइट वाइट अलग सा ही लगता है। तो इसके लिए मुझे ये थोड़ा सा, वहाँ पर तो मुझे सही लग रहा था बट अभी मुझे थोड़ा सा डाउट है,
तो उसको एक दो बार मैं ट्राई करूंगी, अगर ठीक लगेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे एक्सचेंज करके इसका एक डार्क शेड लेना। सो गाइस नेक्स्ट जो मैंने लिया हुआ है वो मैंने लिया हुआ है ये स्विस ब्यूटी का आई पैलेट है। तो अगर आप ना बहुत मतलब कि आप कम रेंज पे कुछ आई शेडो वगैरह देखना चाहते हो ना, तो आप स्विस ब्यूटी के ट्राई कर सकते हो, बहुत सही होते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में होते हैं। तो इसमें मैंने एक और लिया था तो उसमें अलग शेड थे, तो मुझे कुछ ऐसे शेड चाहिए थे थोड़े डार्क कलर्स में, मतलब ब्राउन और ये सारे शेड चाहिए थे, तो मैंने इसको ऑर्डर किया और बहुत ही अच्छा है। मतलब अभी मैंने इसको लगा के रखा हुआ है, आप देख सकते हो कुछ ऐसा है, तो ये मतलब हल्का फुल्का मेकअप के लिए भी अच्छा है और आप ज़्यादा मेकअप करना चाहते हो उसके लिए भी अच्छा है। तो ये अगर आप लेना चाहें, आपको कम रेंज में कुछ भी ऐसे आई पैलेट वगैरह चाहिए हो तो आप इसे ले सकते हैं, बहुत सही है। एंड सेम मैंने लिया हुआ है स्विस ब्यूटी का ये हाइलाइटर, क्योंकि ये मुझे बहुत सही लगा। स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं एंड ये बहुत ही ना अफोर्डेबल रेंज में होते हैं, बहुत महंगे नहीं होते हैं। तो ये जो हाइलाइटर है ना, इसमें आपको बहुत सारे शेड मिल जाएंगे, देख सकते हो, तो अपने शेड के अकॉर्डिंग आप इसे लगा सकते हो एंड ये काफ़ी अच्छे से आपके फेस पे ना ब्लेंड हो जाता है, अच्छा सा शाइन आ जाता है आपके फेस पे। एंड लास्ट मैंने जो लिया हुआ है वो मैंने लिया हुआ है ये स्पॉन्ज, ये मुझे बहुत सॉफ्ट लगा, मतलब ये आप देख सकते हो, तो अगर आप इसे लेना चाहें ले सकते हैं, मेकअप वगैरह के लिए काफ़ी सही है और बहुत ही सॉफ्ट है। इसकी क्वालिटी वगैरह ना मुझे बहुत सही लगी और ये अच्छे से आपके फेस के जो मेकअप होते हैं ना उसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देता है, तो अगर आप इसे लेना चाहें तो ले सकते हैं। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टाइल एम वी ज्योति। तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।